या कना कस्तिन मैं जान साहब पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक तो आपने अच्छे अल्फाज कहे मेरे लिए लेकिन आपने मुझे यहाँ दावत दी इधर ज़ियारत को देखने के लिए क्योंकि हम सुनते थे ज़्यारत का एक दफ़ा मैं बहुत पहले आज से बीस साल पहले आया था लेकिन वो बड़ा हम मुझे भी याद नहीं कि हम यानी वो मुझे क्योंकि मैं यहाँ नहीं आया था फिर एक जलजिला आया था वो फिर हम नीचे आए थे तो ये दो उसके अलावा मैं यहाँ आया नहीं मुझे ख़ुशी है कि मुझे मौक़ा मिल गया कायद अजम के जो वो आखिरी दिन थे जिधर उन्होंने गुज़ारे ये पीछे जो हिस्टोरिकल ये मोनूमेंट है हमारे लिए और इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन जाऊँगा यहाँ जीारत का मैंने सारा तकरीबन पाकिस्तान तो मैं फिरा हुआ हूँ लेकिन मैंने जीारत जो इस तरह जो ये जिस तरह आज देखा हेलीकॉप्टर से ऊपर से भी ये नहीं मैंने पहले देखा था और मुझे ये भी खुशी हुई कि ये जो जूने के दरख्त हैं क्योंकि मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ तो इनका मैं पढ़ता था कि पुराने पुराने सबसे पता नहीं तीन हज़ार पाँच हज़ार साल पुराना ये ये दुनिया का एहसास है ये जो ये जो जोने जो का जो जंगल है तो वो भी आज मैंने ऊपर से भी देख लिया करीब से भी देख लिया तो इसका आपका शुक्रिया मैं सबसे पहले बात शुरू करने से पहले जो हमारे एफसी के लोगों ने आज शहादतें दी हैं मैं उनके रिश्तेदारों के उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे ये हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ के ऊपर मुसलसल, वो लोग इस वक्त दहशत गर्दी कर रहे हैं जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट देखें कि जिस तरह ये बलूचिस्तान को आप जिसने जिस तरह हमने अपनायानी अपना, अपना समझा बलूचिस्तान को जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा तो कम अज़ कम उनको ये सोचना है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ और जबकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसलिए अपनी सारी रिसोर्स अपनी गवर्नमेंट की मुश्किल वक्त के दौरान क्योंकि हमारे ऊपर बड़े बाहरी कर्जे चढ़ाए हुए पिछले वालों ने और हमें इतना ज़्यादा पैसा कर्ज़ों की किस्तों में सूद पे चला जाता है कि हमारे लिए अपने मुल्क के लिए पैसा खर्च करना बड़ा कम रह जाता है उसके बावजूद हमने पूरी तरह बलूचिस्तान के ऊपर जितना भी हो सके हमने फ़ंड्स दिए हैं और मेरी जो दो गवर्नमेंट्स हैं पुतूनख्वा की और पंजाब की वो बार बार मुझे कहते हैं कि जी आप बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं लेकिन इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान को वाकई नज़रअंदाज़ किया गया माजी में बलूचिस्तान के अंदर जो पैसा जाना था वो भी नहीं सही माने में ख़र्च किया गया ना तो गई बलूचिस्तान के ऊपर जो होनी चाहिए थी और जो पैसा दिया भी गया अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो भी सही माने में ख़र्च नहीं हुआ अगर जो पैसा दिया भी गया वो सही माने में ख़र्च हो जाता तो बलोचिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने थे मुझे हमारे आ, मेरे एम पी कह रहे हैं कि नाम लें किसी का जिसने बड़ी देर से यहाँ हुकूमत यहाँ बैठा हुआ था अब मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं मौलाना मौलाना की तो मैं इज्जत करता हूँ तो उसको मैं उसमें लाना नहीं चाहता क्योंकि वो इज्जत का काबिल नहीं है वो आदमी लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पैसा जो यहाँ खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हुआ अच्छा जी आप आ, पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं, खुशखबरी यह है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशा मा, अल्लाह का शुक्र करता हूं हमारा मुल्क निकल रहा हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई इसलिए वो नहीं कह रहे थे कि फेल हो के फेल हो गई क्योंकि हुकूमत जब आई है वो फेल कैसे हो सकती है वो चाहते थे कि फेल हो जाए कि कामयाब ना हो पहले से खतरा हो गया कि कामयाब हो जाए ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी लिहाजा सारी कौम को दो ढाई साल इन्होंने कहा तबाह हो गया पाकिस्तान मायशत तबाह हो गई मुल्क आ, लोग पे आ, गरीब लोगों का बुरा हाल हो गया सब कुछ कहते रहे एक दम जो अभी हमारे पिछले हफ्ते जो ग्रोथ रेट के फ़िगर आए हैं जो मैं लोगों को नहीं समझ ग्रोथ रेट क्या होती है ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि आपकी मीशत किस रफ्तार में ऊपर आ रही है तो पिछले साल तो वो सिफर इशारिया पाँच पे ऊपर आ रही थी और बाकी बड़ा बुरा हाल था और सारों ने कहा कि ये इस बार भी उतना ही होगा तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन चार फीसद यानी चार फीसद पर जब ऊपर जा जाना जब ये आ, फिगर जब आ, आ, पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है क्योंकि अगर वो फिगर ठीक होता तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं कि अगर अभी चार फीसद मुल्क ग्रो करे तो वो आज बड़ा मुश्किल में पड़े हुए हैं मुझे तर्स भी आता है कई दफा उनके ऊपर वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे तीन दिन के तीन महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को कभी इकतीस दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी कभी कुछ हो जाएगा तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाला इनशाला जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं ये भी पाँच साल में तो इनशाला और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी और जो अगली इनशा हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी वजह है ना बलूचिस्तान के मेरे एम भी बैठे हैं वज़ीर बैठे हुए हैं अब सबको मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूँ देखें मैं अगर पावर में आऊँ ना इकतदार में आऊँ तो या मैं अपने लिए पैसा बना सकता हूँ या मैं अपनी कॉम के लिए पैसा बना सकता हूं दोनों नहीं हो सकता अगर ये मैं सोचूं कि मैं अपने लंदन में बड़े बड़े महलात खरीदूंगा और कॉम भी तरक्की कर जाएगी ऐसे होता नहीं है जिन जो भी कॉमें तरक्की की है उनके लीडर्स ने पूरी तरह अपनी कौम अपने मुल्क में बैठ के और अपने मुल्क की खदमत की महातर मोहम्मद उसने कोई लंडन में फ्लैट नहीं उसका उसके कोई मुल्क से बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है उसके बच्चे की बिज़नेसेस बाहर नहीं है वो वही मलेशिया में रहा उधर ही रहा उस मलेशिया को उठा के कहाँ कहाँ से कहाँ ले गया उसी तरह सिंगापुर का लीक वन यूज सिंगापुर को उठा के कहाँ से कहाँ ले गया अमीर तरीन मुल्क बन गया सिंगापुर उसके होते हुए लेकिन उसकी कोई बाहर मे फेयर लंडन के सबसे महंगे में उसकी कोई जायदादें नहीं है प्रॉपर्टीज नहीं है उनके बच्चे बाहर नहीं है तो ये होता ही नहीं कि एक आदमी मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाए और समझे कि मुल्क तरक्की करेगा जब महातर मोहम्मद मलेशिया छोड़ के गए तो उनके बाद उनके 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 बाद भी एक ऐसा आदमी आ गया जिसको भी शौक था मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर बाहर जायदादें करने का वो आज जेल में है लेकिन जब वो छोड़ के गया तो मलेशिया मकरूज हो चुका था वही मलेशिया जो महातर मोहम्मद ऊपर ले गए थे वो मकरूज हो चुका था तो पाकिस्तान इसलिए तरक्की करेगा एक तो अल्लाह ने पाकिस्तान को हर किस्म की नेमत दी है हमें खुद ही नहीं पता कि अल्लाह ने पाकिस्तान के ऊपर कितना मेहरबान है क्योंकि जो हमारे हुक्मरानों की जो उनके घर भी बाहर हैं छुट्टियाँ भी बाहर हैं ईदें भी बाहर हैं इलाज भी बाहर है उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा ये जो ये जो ज्यारत है और बड़ा अच्छा हुआ मैं आज आ गया ये वाकई एक से सारे इलाके का इर्द गिर्द एक टूरिज्म का हब बन सकता है टूरिज्म का मतलब कि मुकामी लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है गुरबत कम हो सकती है पखतनख्वा के अंदर जब हमारी हुकूमत आई दो हज़ार तेरह में सबसे बुरे हालात थे पखतूनख्वा के क्योंकि वहाँ वॉर ऑन टेर थी तबाही थी उधर जंग लड़ी जा रही थी वहाँ कोई पाँच सौ पुलिस वाले शहीद हो चुके थे कानून नाम की चीज़ नहीं थी जो बिजनेस थी वो बिजनेसेस बंद हो चुकी थी जो सबसे बड़ी बिजनेस थी वो लोगों को अखवा करके पैसे लेते थे लोग वो बिजनेस चल रही थी लोग पशावर को छोड़ के इस्लामाबाद में घर ले रहे थे अपने आप को बचाने के लिए और यू की रिपोर्ट है कि पांच सालों में 2013 से 2018 में सबसे तेजी से गुर्बत पख्तूनख्वा में कम हुई सारे बाकी सूबों के मुकाबले में अमीर गरीब का फ़र्क सबसे कम हुआ पख्तूनख्वा में और ह्यूमन डेवलपमेंट ये तीन चीज़ें यू एन डी पी की रिपोर्ट में आई ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ उनकी तालीम पे उनकी सेहत पे वो पख्तूनख्वा में हुआ रोज़गार पे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह टूरिज़्म थी हमने पूरी तरह टूरिज्म को पख्तूनख्वा में उठाया और टूरिज्म की वजह से जब टूरिस्ट आता है वो पैसा खर्च करता है वहाँ दुकानें चलती हैं वहाँ रोजगार मिलता है तो वो बहुत बड़ी वजह थी कि टूरिज्म की वजह से पख्तूनख्वा ऊपर गया दूसरी चीज़ थी हेल्थ कार्ड हमने गरीब लोगों को आधी आबादी को पख्तनख्वा के ही, हमने हेल्थ कार्ड दिया अब हेल्थ कार्ड क्या है हेल्थ कार्ड है हेल्थ इंश्योरेंस हर खानदान के पास एक कार्ड दिया जिसकी वजह से दस लाख रुपए तक वो किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकते थे ये अब पुख्तूनख्वा के हर शहरी के पास यानी हर खानदान के पास अब हेल्थ कार्ड आ गया पहले सिर्फ आदिबादी के पास थी और पंजाब ने इस आ, साल के आखिर तक सारे पंजाब के लोगों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा और हेल्थ कार्ड, कार्ड का मतलब ये, यानी सर उसका मतलब ये है कि जब गांव के अंदर भी देहातों के अंदर भी लोगों के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जाके वहाँ अस्पताल बनाएंगे और जब प्राइवेट से... तो फिर अस्पतालों का जाल फैल जाएगा हुकूमत के पास तो पैसे नहीं कि हम सारे पाकिस्तान में अस्पताल बना सकें लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जब यह पता चलेगा कि हर आदमी अगर वो बीमार होता है देहात में जिधर भी गरीब इलाकों में भी उसके पास हेल्थ कार्ड होगा वो पैसे दे सकेगा आप इन देखेंगे कि ये हेल्थ कार्ड नहीं है ये पूरा हेल्थ सिस्टम आ रहा है पाकिस्तान में तो मैं आपसे जाम साहब ये दरख्वास्त करूंगा कि आपने अगर असल अपने लोगों की खिदमत करनी है तो जिस तरह पंजाब और पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड दिया गया आपको भी बलोचिस्तान में हर खानदान को हेल्थ कार्ड देना चाहिए ये यकीन करें कि इसका फायदा सिर्फ ये नहीं कि लोग आप अपने लोगों को गरीब लोगों की मदद करेंगे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बुरे वक्त में एक गरीब घराने में अगर बीमारी हो जाए तो वो गरीब घराने पे सबसे बड़ा अजाब आ जाता है कि उनका जो बजट बना होता है कि बच्चों के स्कूल कपड़े या जो भी और खाना पीना वो एक बीमारी से इलाके पे अल्लाह की नीमतें आती हैं अब आ गया गैस का ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इस इलाके में मुझे पता है सर्दियों में मैं कई दफ़ा बलोचिस्तान आया हूँ जो यहाँ ठंड एक तो एक तो ठंड होती है ना एक तो टेम्परेचर एक चिल फैक्टर होता है जो जो हवा चलती है या वो इतनी ठंड मैंने बड़ी कम दुनिया में देखी हुई है जो बलोचिस्तान के इलाकों में इसलिए इसको अब हम हम डिस्कस करेंगे मुझे अपने एम ने तो कहा धूमर साहब ने कि जनाब यहाँ गैस पहुँचा दो पाइपलाइन मेरे ख़्याल में जो आपका आइडिया ना वो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ एल पी जी का प्लांट लगाया जाए वो ज़्यादा फीजबल है गैस लाना इतनी दूर से और गैस का प्रॉब्लम बड़ा होगा कि वो सर्दी के अंदर वो गैस का प्रेशर बिल्कुल गिर जाएगा आपका सो बेहतर ये है कि अगर हम इसी इलाके के अंदर आ, ये एल पी जी का प्लांट लगाएं अब इसकी मैं फ़ीज़बिलिटी जाके बात करूँगा क्योंकि आपको पता है बजट तो बन ही गया तकरीबन मैं जब वापस जाऊँगा ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको इनशाला ये ये जब अगला माली साल शुरू होता है तो उसमें हम आपके लिए काम शुरू कर दें एल पी जी के ताकि यहाँ लोगों के लिए आसानी हो <प्राँगा> मैं वैसे बादशाह नहीं हूँ प्राइम मिनिस्टर हूँ प्राइम मिनिस्टर को फिर भी देखना पड़ता बादशाह तो ऐसे अश्रियों की थैली फेंक देता ना कि इधर लो पैसे इधर लो जिस तरह पहले हमारे बादशाह कहते थे कि जी मैंने ये दे दिया आपको वो दे दिया तो मुझे देखना पड़ता है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी पड़ती है देखना पड़ता है कि कितना पैसा है आगे वो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि दोनों सूबे शोर में चाह रहे हैं पंजाब और के पखतूनख्वा के जी आपने बलोचिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है। कहते वहाँ तो हमारी गवर्नमेंट नहीं कोलिशन गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट की बात नहीं है बलूचिस्तान को क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ नज़रअंदाज किया माजी में इसलिए ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम पूरी तरह मदद करें है आपका इलाका बहुत बड़ा मसला बलूचिस्तान का है कि इतना बड़ा इलाका है यहाँ कनेक्टिविटी इतनी महंगी है बनस्पत नीचे और इलाकों के ऊपर तो इसलिए जो ख़र्चा आता है यहाँ सड़कों पे जो कनेक्ट करने में वो बाकी जगह से बहुत ज़्यादा आता है तो और फिर क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है तो हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी आना मुश्किल है जो कि हम पख्तूनख्वा में और पंजाब में कई इलाकों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाके हम ये सड़कें बना रहे हैं तो यहाँ क्योंकि आपका ट्रैफिक इतना कम है तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए प्राइवेट पार्टीज़ को यहाँ इंटरेस्ट करने के लिए और आखिर में मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ का फिर से यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि लोगों को खुश करने के लिए या वोट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट तब सही माने में डेवलपमेंट होगी कि एक अंग्रेज़ का लफ्स है इंक्लूसिव कि सारे मुल्क की डेवलपमेंट हो यहाँ छोटे छोटे यानी इलाकों की डेवलपमेंट होती है लेकिन जो बाकी मुल्क है वो पीछे रह जाता है और इसकी वजह से बलूचिस्तान भी पीछे रह गया तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में पहले तो इलाकों को जो पीछे रह गए हैं और इनके ऊपर हम खास तवज्जो दे रहे हैं जिसका मतलब हम शुरू कर रहे हैं उधर से कबायली इलाके से क्योंकि वो भी कबायली इलाका भी पीछे रह गया फिर बलूचिस्तान फिर जो पंजाब के मगरबी इलाके हैं जिसमें मेरा भी ज़िला मियाँ वाली भी और फिर बखर ये राजनपुर डी जी खान सबसे पीछे रह गए हैं ये पंजाब में इनकी पूरी और फिर अंदरून सिंध में भी हम कोशिश करें कि हाथ सिंध हुकूमत क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है वहाँ लेकिन उनके साथ मिलकर उनकी भी मदद करें क्योंकि इंटीरियर सिंध भी पीछे रह गया तो जो जो इलाके पीछे रह गए पहले तो हमारी पूरी कोशिश करें कि उनको उनको ऊपर लाने के लिए और दूसरे जो लोग पीछे रह गए जो हमारा गरीब आदमी है जो कमज़ोर तबका है उसके लिए उसको पूरा उठाएं तो इसके लिए एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं जो एहसास प्रोग्राम है जो गुरबत गुरबत कम करने के लिए जिसमें मुख्तलफ चीज़ें हैं कि हम हुनर भी सिखा रहे हैं हम खातन की भी मदद कर रहे हैं देहाती इलाकों में ताकि वो अपनी अपनी मदद कर सके अपनी उनकी गाय भैंसें मवेशी उनको दे रहे हैं ताकि वो अपना ख़ुद अपने घर की हालात बेहतर कर सकें फिर कर्जे दे रहे हैं कामयाब जवान में कि हम आ, नौजवानों को कर्ज़े दे रहे हैं बलूचिस्तान से भी हर इलाके से ताकि वो अपनी बिज़नेस को सेटअप कर सके अपना कारोबार शुरू कर सके अपने पैर पर खड़े हो सके ये सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें फिर एक नया पाकिस्तान जो हम हाउसिंग का नया पाकिस्तान हाउसिंग कि जो तनख्वाहदार लोग हैं जो जो सरकारी नौकर हैं जो के मजदूर हैं जो मकैनिक हैं जिनके पास कभी इतना पैसा नहीं अपना घर बनाने के लिए उनके लिए अब हम स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और शुरू हो गया है कई हज़ार लोगों ने अब उनको मौके हम उनको कर्ज़े मिल गए हैं बैंकों बैंक कर्जे देते हैं तो जो पैसा वो किराए पे देते हैं वही पैसा कर्ज़ों की किस्तों पे चला जाता है और उनका अपना घर हो जाता है तो ये एक प्रोग्राम शुरू हो गया पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये फैलता जाएगा ये भी हमारी कोशिश है कि लोग जो आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता अपना घर बनाने के लिए उनके लिए हम बैंकों के जरिए कर्जे दें ताकि वो अपने घर बना सकें मैं आखिर में फिर से जान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका मिला इधर आने के लिए क्वेश्चन आंसर नहीं बाद में मेरे से बात करना और मैं इन शाह आपके पास मुसलसल आता रहूँगा बलोचिस्तान का प्रोग्रेस देखता रहूँगा सात सौ अरब रुपये का हमने सबसे बड़ा पैकेज दिया अब तक बलोचिस्तान को और दूसरा भी आ, अभी एक और हम सड़कों का पैकेज दे रहे हैं ये आपको मैं यकीन दिला दूँगा जितनी हमारे पास हम कोशिश करते रहेंगे जिधर भी गुंजाइश निकले हम अपने बलोचिस्तान के लिए फंड्स दें शुक्रिया